हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्ले क्राफ्ट्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस से मोल्ड कैसे बनाते हैं, ये अगर आप बारीकी से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यूट्यूब पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से मोल्ड बनाने का इससे बढ़िया वीडियो आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। सो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने ये फेस बना के दिखाया था, तो आज की इस वीडियो में मैं इसको मोल्ड करके दिखाऊंगा। पिछली वीडियो में आपने देखा था इस फेस में बाल था, लेकिन वो मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि मोल्ड बनाना है इस फेस को। तो अभी चलिए इसको मोल्ड कैसे करते हैं ये मैं आज आपको दिखाऊंगा। इस फेस को मैं यहाँ से बाहर ले जाकर मोल्ड करूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मोल्ड किया तो ये मेरा स्टूडियो है, यहाँ पर बहुत ही गंदगी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इस फेस को यहाँ से बाहर ले जाऊँगा। अभी देखिए, मैंने इस फेस को बाहर लेके आया, अभी इस फेस को मोल्ड बनाना है। इस फेस को प्लास्टर ऑफ पेरिस से मोल्ड करने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो ये है कि आपको सबसे पहले थोड़ी सी मिट्टी चाहिए इस फेस को चारों ओर से बॉर्डर देने के लिए। उसके बाद आपको चाहिए थोड़ा सा जूट, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, पानी, और जहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस आप गुलाएंगे उस जगह के लिए पात्र चाहिए, ठीक है। तो बस इतना सारा चीज़ें चाहिए आपको। ये जो फेस है इसके चारों ओर से इस मिट्टी से एक बॉर्डर देते हैं, ताकि हम जब इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस डालेंगे तो वो बाहर चली ना आ जाए। तो इसीलिए यहाँ पर चारों ओर से एक बॉर्डर देना होगा मिट्टी से। तो गाइस देखिए, मैं इस फेस से 1 से 1.5 इंच दूर से ये बॉर्डर दे रहा हूँ। आपका मोल्ड आप कितना मोटा करेंगे, मतलब मोल्ड आप कितना थिक करेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करता है ये बॉर्डर। जैसा कि ये फेस बहुत ही बड़ा है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसका मोल्ड लगभग 1.5 से 2 इंच मोटा हो। तो इसीलिए जो बॉर्डर है वो मैं फेस से 1.5 इंच दूर दे रहा हूँ, ताकि मोल्ड 1.5 इंच थिक हो। तो देखिए, बॉर्डर देना कम्प्लीट हो गया है। तो अभी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी से मिक्स करेंगे। सो गाइस, सबसे जो पहला लेयर है वो मैं ये ग्रीन प्लास्टर से दूंगा। तो गाइस, ये है एक तरह का स्टोन प्लास्टर, मतलब ये प्लास्टर बहुत ही हार्ड है, तो इसीलिए ये मोल्ड का सबसे पहला लेयर मैं इस प्लास्टर से दूंगा, ताकि मोल्ड जल्दी से ख़राब ना हो जाए। ये प्लास्टर आपको आपका लोकल मार्केट में मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो आप ऑनलाइन से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन पर जाके आपको सर्च करना होगा स्टोन प्लास्टर। ये प्लास्टर ग्रीन कलर का भी आता है, और फिर ब्लू या फिर अदर्स कलर का भी आता है। तो ये प्लास्टर से फर्स्ट लेयर देने के बाद दूसरा जो वाइट प्लास्टर है, जो POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको मैं बाद में जितने भी लेयर्स है वो दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो पहला लेयर है वो मैं इस प्लास्टर से दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट लेयर देने के टाइम आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहीं भी बबल्स ना हो जाए, मतलब फर्स्ट लेयर आपको बहुत ही ध्यान से देना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लेयर से ही आपका डिपेंड करता है कि आपका मोल्ड कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा अंदर से। तो इसीलिए फर्स्ट लेयर आपको इतना ध्यान से देना होगा, क्योंकि फर्स्ट लेयर कहीं भी छूट ना जाए या फिर कहीं भी बबल्स ना आ जाए। तो देखिए, मैंने फर्स्ट लेयर दे दिया है, अभी हम थोड़ा सा सुखाने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हम सेकेंड लेयर देंगे। तो फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस से मोल्ड करने के टाइम ये जब लेयर देंगे, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरी है। जब आप फर्स्ट लेयर देंगे तब वो जब नहीं सूखेगा तब आप सेकंड लेयर नहीं दे सकते, और जब पूरा सूख जाएगा तब भी आप सेकंड लेयर नहीं दे सकते। तो इसीलिए आपका जब फर्स्ट लेयर कम्प्लीट हो जाएगा तब आपको हर सेकेंड ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो फर्स्ट लेयर है वो टाइट होना, यानी कि जमना शुरू हो गया कि नहीं। अगर आप देखेंगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा टाइट होना शुरू हो गया है, तभी आप तुरंत से सेकेंड लेयर आपको पानी से मिक्स करना होगा वाइट प्लास्टर, और उसके बाद उसको तुरंत से देना होगा। अगर आपका फर्स्ट लेयर पूरा ही सूख जाए, मतलब पूरा ही जम जाए, बिल्कुल टाइट हो जाए, तब आपका सेकेंड लेयर देना बहुत ही रिस्क होगा, क्योंकि आपका मोल्ड ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से मोल्ड करने के बाद हमेशा ये ध्यान रहे कि आप जो भी लेयर देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसका पहला लेयर बिल्कुल भी ड्राई नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए। जब भी आप देखेंगे कि आपका जो पिछला लेयर है वो थोड़ा थोड़ा ड्राई होना शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा हार्ड होना शुरू हो गए, तब भी आप तुरंत से अगला लेयर आपको पानी से मिक्स करना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को, और उसको आपको तुरंत से देना होगा। POP से मोल्ड बनाने का जो तरीका है, उस टाइम आपको हर सेकेंड अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अगर आपका मोल्ड कंप्लीट नहीं हुआ है और उससे पहले ही आपका जो लेयर है वो जम जाए, तब आपका मोल्ड ख़राब हो जाएगा। प्लास्टर का भी बहुत सारा वैरायटी होती है, बहुत सारा प्लास्टर होता है बहुत ही फास्ट हार्ड होती है, और बहुत प्लास्टर होता है कि बहुत ही स्लो हार्ड होती है। ये आप पहले से पता नहीं कर सकते कौन सा पैकेट का प्लास्टर जल्दी हार्ड होगा और कौन सा पैकेट का प्लास्टर धीरे हार्ड होगा। मतलब आप जब से फास्ट लेयर देंगे उसके बाद से जब तक प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड ख़त्म ना हो जाए, तब आप वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिल सकते। प्लास्टर ऑफ पेरिस से मोल्ड बनाने के लिए आपको लगभग 2 से 3 लेयर देना ज़रूरी होता है। देखिए, मैंने ये थर्ड लेयर दे रहा हूँ,
सबसे पहले मैंने ग्रीन प्लास्टर से फर्स्ट लेयर दिया था, उसके बाद प्लास्टर को थोड़ा सा मोटा करके मैंने मिक्स किया था पानी से, उसके बाद उस प्लास्टर से मैंने दो और लेयर दिया। और अभी देखिए मैंने ये जूट ले लिया, इस जूट को इस प्लास्टर के अंदर भिगो के मैं इस मोल्ड के ऊपर चिपक दूंगा। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो मोल्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस जूट को प्लास्टर के अंदर भिगो के पूरा जो मोल्ड है पूरा मोल्ड को मैं कवर कर दूंगा। तो गाइस ये जो जितना मटेरियल मैंने आज आपको दिखाया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ग्रीन प्लास्टर, ये जो जूट है, ये जितना भी चीज़ें हैं ये आपको आपका लोकल मार्केट में ही मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो आप ऑनलाइन जितने भी वेबसाइट है आप जाके सर्च कर सकते हैं। मैंने ये सब लोकल मार्केट से लिया है, मैंने अमेजोन पर सर्च किया था लेकिन नहीं मिला, अगर मिलता तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे देता। तो इस तरह से पूरा मोल्ड को कवर कर देने के बाद मैं थोड़ा और प्लास्टर में पानी से मिक्स करूँगा और उसके बाद फाइनल जो कोट है वो मैं अभी तक दे रहा हूँ, उसके बाद हमारा जो मोल्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा मोल्ड कंप्लीट हो गया है और ये पूरा बिल्कुल हार्ड हो गया है। तो अभी मैं इसको करीब 6 से 7 घंटा ऐसे ही रखूँगा, उसके बाद मैं इसको ओपन करूँगा। तो अभी हमें जो करना होगा वो ये है कि साइड में मैंने जो भी बॉर्डर दिया था पहले मिट्टी का और ये जो बोट का, ये हमको अभी हटाना पड़ेगा और उसके बाद 6 से 7 घंटे के बाद इस मोल्ड को ओपन करना होगा। तो अभी देखिए अभी 6 से 7 घंटा बीत चुका है और अभी हम इस मोल्ड को करेंगे ओपन और हम देखेंगे कि अंदर से ये मोल्ड कैसा हुआ है। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद बहुत ध्यान से ओपन करना होगा, नहीं तो आपका मोल्ड भी टूट सकता है। तो ये देखिए मैंने ओपन कर दिया, तो ये देखिए बहुत ही अच्छा हुआ है ये मोल्ड, मतलब अंदर कोई भी बबल्स नहीं आया है। ये देखिए अब अभी मोल्ड के अंदर थोड़ा बहुत मिट्टी रह जाएगा, क्योंकि जब आप मोल्ड बनाएंगे तो उस टाइम जो ज़्यादा डीप जगह होगा उस जगह का मिट्टी आपको मोल्ड के अंदर रह जाए होगा। तो आप अंदर का सारा मिट्टी आप निकाल के मोल्ड को बिल्कुल क्लीन कर देंगे, उसके बाद आपका मोल्ड हो जाएगा कंप्लीट। तो ये देखिए अंदर जितने भी मिट्टी है सब मैं निकाल लेता हूँ धीरे धीरे, और उसके बाद आप चाहे तो आपका मोल्ड पूरा एक दिन धूप में सुखा सकते हैं ताकि आपका मोल्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो देखिए हमारा ये मोल्ड बिल्कुल भी कंप्लीट हो गया है। तो ये था पूरा प्रोसेस प्लास्टर ऑफ पेरिस से मोल्ड बनाने का। तो गाइस आज का ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल या डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नया क्लियर स्कैचिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।